एशिया कप 2023 को लेकर आपस में भिड़ गए भारत और पाकिस्तान। भारत ने एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान जाने से किया इनकार। बीसीसीआई ने रखा आईसीसी के सामने नया प्रस्ताव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुस्से में पाकिस्तान को लगाई फटकार। मोदी की दहाड़ सुन सहम गया पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते हमेशा से ही खराब ही रहे हैं और ये खराब रिश्ते न सिर्फ सरहदों पर देखे जाते हैं बल्कि इसका असर क्रिकेट पर भी देखने को मिलता है। भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश आपस में सीरीज खेलना पसंद नहीं करते हैं। पाकिस्तान तो कई बार आईसीसी के सामने यह प्रस्ताव भी रख चुका है लेकिन भारतीय टीम बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिखाती पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलने में। अब एशिया कप 2023 को लेकर फिर एक बार कई विवाद खड़े होते जा रहे हैं। एशिया कप 2023 की मेजबानी पाकिस्तान के पास है और भारतीय टीम ने पाकिस्तान में जाने के लिए साफ इनकार कर दिया है। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने कहा कि टीम इंडिया किसी भी हाल में पाकिस्तान नहीं जाएगी। हमें अपने खिलाड़ियों की चिंता है और खिलाड़ियों को लेकर हम किसी भी तरह से ढील छोड़ ही नहीं सकते हैं। जैसा कि इस बयान को सुनने के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से तिलमिला उठा। भारतीय टीम पर जमकर जहर भी उगला लेकिन आखिरकार भारतीय टीम किस बुनियाद पर पाकिस्तान जाए? पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियां आए दिन जन्म लेती हैं। श्रीलंका की टीम के साथ जो हुआ वह सभी जानते हैं और हाल ही में एक मस्जिद में हुए विस्फोट में 46 लोगों की जिंदगी उजाड़ कर रख दी है। ऐसे में मैनेजमेंट बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं ले रहा है पाकिस्तान टीम भेजने के लिए। आपको बता दें कि इस बीच देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया को पाकिस्तान न भेजने का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की जिंदगी और उनकी जिम्मेदारी बीसीसीआई के साथ साथ सरकार की भी होती है और हम अपने खिलाड़ियों के साथ थोड़ा सा भी जोखिम नहीं ले सकते। पाकिस्तान अपने गिरेबान में क्यों नहीं जागता? पाकिस्तान को पहले आतंकी गतिविधियों से दूर रहना होगा। इन पर रोक लगानी होगी जब भी कोई देश उनके देश में क्रिकेट खेलने आ सकता है। हालांकि कई सालों तक तो पाकिस्तान में क्रिकेट बंद रहा लेकिन अब कुछ टीम ने पाकिस्तान जाना शुरू किया। लेकिन हम अपने खिलाड़ियों के साथ लापरवाही बरतने की बिल्कुल भी मूड में नहीं है। भारतीय टीम एशिया कप का हिस्सा जब ही होगी जब एशिया कप का आयोजन किसी और देश में कराया जाएगा। इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को लेकर बड़ी बात कही है। फिर भी आप सभी को क्या लगता है, पाकिस्तान में खतरे को देखते हुए क्या भारतीय टीम को पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए या फिर नहीं? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल क्रिकेट।